विष्णुदत्त धरड़ पूछते हैं, आदमी अमानवीय कृत्य क्यों करने लग जाता है? वह अपनी शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति को क्यों भूल जाता है? जी, आपने बिल्कुल सच्ची बात कही। आज के दौर में ऐसा ही दौर कुछ चल रहा है, आदमी इंसानियत भूल गया है। हमें लगता है शिक्षा भी इसकी जिम्मेवार। पहले शिक्षा में सबसे पहले हमारे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो पवित्र रामायण या पवित्र गीता पढ़ाई जाती थी। इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान शरीफ, सिख धर्म में पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म में पवित्र बाइबल। बच्चों को पढ़ाई से पहले ये जरूर कंठस्थ करवा देते थे, पढ़ा देते थे। उसका पता क्या कारण था? ताकि इंसान इंसान बना रहे, इंसानियत में रहे, कहीं इंसान से शैतान ना बन जाए, इसलिए धर्म की शिक्षा दी जाती थी। आजकल तो मां के पेट में बच्चे को नोटों की मशीन बनाना शुरू कर देते हैं। बड़ा होके क्या बनाएंगे? नोट ज्यादा किसमें से आएंगे वो बनाएंगे। तो पढ़ाई में ये बहुत बड़ी कमी आ गई है। इसमें नोटों की मशीन बुरा ना मानना, तो बच्चे को बनाया जा रहा है लेकिन वो आदमी आदमी रहे ये कोई शिक्षा नहीं दी जा रही। इसलिए आज आदमी शैतान बन रहा है, उसके दिमाग में कचरा भर गया है, अज्ञान आ गया है, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो दुखी है, परेशान है। तो ईश्वर के नाम से ही ये कचरा साफ हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है।